हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मौसम आया है सर्दियों का, और सर्दियों के मौसम में सरसों का साग ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो आइए इस बार हम बनाते हैं सरसों के साग की एक बहुत ही न्यू रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और टेस्टी है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं इस रेसिपी की। साग बनाने के लिए हमने लिया है एक बंच सरसों, एक बंच पालक और एक बंच सोया। हमने इसमें सोया का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि हमारे साग का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो सके, और उसी के साथ साथ ही बहुत अच्छी खुशबू भी देता है। इन सभी को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने इसे 2 से 3 पानी से वॉश किया है, और इस तरह से हम सबकी स्टेम, जो मोटी स्टेम होगी इसके अंदर, वो रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर सिर्फ सोया की लीव्स ली हैं और इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने पालक और सरसों को भी अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम फाइनली चॉप कर लेंगे सभी चीजों को। अब हम इसे कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे और कुकर की फ्लेम ऑन कर लेंगे। देखिए, हमारा साग थोड़ा नरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली और जिंजर का पेस्ट, नमक, और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसे लेड लगा के 2 विसल तक कुक करेंगे। 2 सीटी लगने के बाद हम इसके लेड रिमूव कर लेंगे और इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहे तो किसी भी चीज़ से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। देखिए, हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है कि एकदम फाइनली एकदम पेस्ट की तरह तैयार हो जाए। अब एक बाउल में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। हमें इस तरह से इसे मिक्स करना है और स्लरी को साग के अंदर डाल देना है। अब इसे हम एक अच्छा मिक्स दे देंगे और 3 से 4 मिनट कुक होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया है और इससे इसका स्वाद भी एनहांस होगा। ये देखिए, अब एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। इसमें ऐड करेंगे जीरा और उसे स्लाइटली सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक और उसे सॉटे करेंगे। देखिए, गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर, 2 चॉप्ड अनियंस और 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज। इसे डाल के हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोस, इसे भी हमने फाइनली चॉप कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे एक मिक्स देंगे। इसमें ऐड करेंगे हमारा जो हमने साग प्रिपेयर किया था, उसे इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। कहा था ना, सोया इसकी फ्लेवर को कितना अच्छा इन्हेंस करेगा। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। नाउ एक तड़का पैन में हम ऐड करेंगे
एक टेबलस्पून घी, गार्लिक, उसे हल्का सा मिक्स करेंगे इस तरह से। इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, जिंजर, हींग, और इसे इस तरह से भून लेंगे। और इस तड़के को इस तरह से साग में डाल देंगे। हमारा सरसों का साग बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसे मक्के की रोटी या फिर किसी और चीज के साथ, किसी पराठे, नान, किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस और अपने रिव्यूज को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।